अपने इस जीवन में 20-21 साल के जीवन में आपने जो भी जीवन जिया है, देश के लिए आपने कभी कुछ किया है? नहीं। चलिए, अपने राज्य के लिए कभी कुछ किया है? अपने शहर के लिए कभी कुछ किया है? वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। अपने मोहल्ले के लिए कभी कुछ किया? कमाल है, दिल मत तोड़िए मेरा। सर आप शहर में आ गए तो मोहल्ले तो आई है, कमाल। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अपने घर के लिए कुछ किया? माँ बाप के प्रति कुछ किया है? चलिए छोड़िए, अपने लिए कुछ किया है? नहीं। बहुत सोच समझ करके मैंने यह सवाल आप लोगों से पूछा और बहुत विचार के बाद मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर हम अपने जिंदगी के 20-21 साल जी गए, 25 साल जी गए, 30 साल जी गए, 40 साल, 50 साल, भगवान करे 100 साल की आपकी उम्र हो, लेकिन अगर इन 100 साल की उम्र में आप एक भी काम ऐसा नहीं किए जो देश के लिए काम में आए, आपके राज्य के लिए काम में आए, आपके शहर के काम में आए, आपके मोहल्ले के काम में आए, आपके घर के काम में आए, आपके माँ बाप के काम में आए, कुछ नहीं तो कम से कम आपके काम में आए, अगर ऐसा कोई भी काम आपने नहीं किया है तो पिछले 20-21 सालों का जवाब आप क्या देंगे? कुछ तो ऐसा हो जिसके हम जिम्मेदारी उठाएं। रंग दे बसंती अगर आपने मूवी देखी होगी, अगर आप सारे मूवीज देखते हो तो रंग दे बसंती में आमिर खान का एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है, उस डायलॉग का असर मुझ पर बहुत गहरा हुआ था। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं साहब, या तो जो हो रहा है वो होने दो, बर्दाश्त करो, या जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। आप में से कितने लोग टू व्हीलर चला लेते हैं? अगला सवाल बड़ा समझ के हाथ उठाइएगा, कितने लोग सिग्नल फॉलो करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। मुझसे आंखें ना मिला पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, घर जाकर के अपने आप से आंख मिलानी, आईने में देख करके जवाब दीजिएगा कि मैं सिग्नल फॉलो करता हूं। आज तक कभी कोई भी सिग्नल नहीं तोड़ा आपने। कितने लोगों के पास हेलमेट है? कितने लोगों के पास हेलमेट कंपल्सरी होने के बाद आया? हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? 11 साल के थे भगत सिंह, के पहली बार उन्होंने अपने घर के आंगन में पिछवाड़े में कुछ खेल रहे थे, पिछले आंगन में बैठ करके कुछ खेल रहे थे, उनके जो घर के जो सीनियर मेंबर्स थे वो उनसे पूछने के लिए आए कि बेटा क्या कर रहे हो। भगत सिंह ने उनका जवाब दिया कि बंदूकें बो रहा हूँ। 11 साल के भगत सिंह जवाब देते हैं कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। उनके जो ताऊ जी थे उन्होंने पूछा बंदूकें की क्या जरूरत पड़ेगी, आज़ादी की जंग के लिए काम में आएंगी। ये 11 साल के भगत सिंह की सोच है। आज जब यहाँ पर बैठे हुए जितने युवा हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि बेटा अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो 90% युद्ध तरुण युवा जवाब नहीं दे पाते कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। 98% 90% 95% वेरिएशन है, लेकिन ये जवाब मुझे मिलता है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता। They don't know. देश के लिए क्या करना चाहते हैं? They don't know. घर के लिए क्या करना चाहते हैं? They don't know. अपने लिए क्या करना चाहते हैं? They don't know. आज की डेट में यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ विद्यार्थी होंगे जो अदरवाइज किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे। ये डिग्री आप क्यों करना चाह रहे हैं? अगर ये प्रश्न भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ये सवाल भी अगर मैं आपके सामने रखता हूँ, कितने लोग जानते हैं कि मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ? नहीं। एक छोटा सा वाक्य है, मैं मेरे सेशंस में कई बार रिपीट करता हूँ, जो मुझे पहले सुन चुका हूँ तो ये किस्सा मालूम है। वापस एक बार इस किस्से को मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक जगह सेशन लेने के लिए गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं सेशन लेने के लिए गया हूँ। सेशन लेने के लिए मैं वहाँ पर गया और बड़ा खूबसूरत सा हॉल, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा, 400-450 विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं, लड़कियाँ एक तरफ डिवीजन है। स्टेज के ऊपर सारे जो कॉलेज के विभूति लोग होते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीएनपी ऑफिसर सारे बैठे हैं। कहीं तो उन्होंने मेरे बारे में सुना था कि मैं रिक्रूटमेंट और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ, उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं वहाँ पर अपना विषय रखने के लिए गया तो मेरा सबसे पहला स्वाभाविक सा सवाल था, मैंने बोला फाइनल ईयर के सारे विद्यार्थियों से सवाल पूछता हूँ कि लड़कों से मैंने पूछा कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, पिछले 4 साल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, अभी आप प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर कि आप रिक्रूटमेंट के ऊपर मैं आपके साथ कुछ बात करूँ। तो पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? लड़कों से ये सवाल पूछा, लड़के एकदम बड़े एकदम स्वाभाविक से मासूम से होते हैं सारे लड़के, आपकी मुस्कुराहट ही मासूमियत बता रही है।
अगर सारे लड़के जो होते हैं मासूम से होते हैं, तो एक लड़का बड़ा ही मासूम था, कुछ ज़्यादा ही मासूम था, खड़ा हुआ, बोला सर दहेज अच्छा मिलता है। मैंने एक सेकंड के लिए सब पका गया, मैं पीछे पलट के देखा तो प्रिंसिपल साहब सीने से मुंह पूछने लग गए थे। मैं समझ गया था कि हालत बड़ी ख़राब है, विषय गंभीर, हालत ख़राब। मैं बड़ी हिम्मत करके मैंने अपना मोर्चा जो था वो लड़कियों की तरफ पलटाया, बोला इतनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ एक साथ बैठी हुई हैं, उनसे भी ये सवाल पूछना लाजमी होता है। तो मैंने उनसे भी सवाल पूछा, लड़कियों से पूछा कि आप इसी तरीके क्यों करना चाह रहे हो। तो एक लड़की जो थी बड़ी प्रामाणिक, बड़ी स्वाभाविक, बड़ी एकदम सज्जन तरह की लड़की थी, लड़की खड़ी भी सर बड़ी भारी का लड़का मिलता है। ये अगर सोच लेकर के अगर आप अपने किसी भी एजुकेशन डिग्री को अगर आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी 1% कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप जितने भी युवा बैठे हुए हैं, मैं सारे युवाओं से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी काम करते हैं, कोशिश करिए कि कम से कम आप अपने आप के लिए प्रति ईमानदार रहें। जितने लोग यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त अगर आप कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी अगर ये विषय आप अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं, तो कम से कम इतनी कोशिश करो कि अगर गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो कम से कम सिग्नल फॉलो हो जाए। कम से कम सिग्नल फॉलो करो। सिग्नल फॉलो करेंगे तो फायदे दो हैं। पहला, एक तो मामा को कुछ देना नहीं पड़ेगा। मामा को जनरली हम लोग सोचते हैं, हम लोग सिग्नल का फॉलो करते हैं जब सिग्नल के उस तरफ सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहना हुआ हमें एक मामा नाम का कैरेक्टर दिखता है, उस वक्त हमारे जितना ईमानदार आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल ईमानदारी से हेलमेट लगा रहेगा, स्टॉप लाइन के पीछे खड़े रहेंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से जो लोग जाते हैं, कॉलेज कितना दिमाग में खराब है, देखो सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से लोग गुजर रहे थे, उनको बड़ी इज्जत के साथ देखते हैं और उनको गुजरने भी देते हैं, हॉर्न भी नहीं बजता। लेकिन अगर वो मामा नाम का कैरेक्टर सिग्नल के उस तरफ खड़ा नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि कहीं से कोई गाड़ी इमीडिएट अपनी जल्दी से तो नहीं आ रही है। मैं छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ सुनाऊंगा सिग्नल फॉलो करने का इंपॉर्टेंस। मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, किस्सा आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक मेरा दोस्त था जो मेरी आज मेरी उम्र का है, 21 साल का था, जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से इस किस्से की वजह से हुआ था कि वो सिग्नल फॉलो नहीं कर पाए। 30 सेकंड एक जगह पर खड़े रहने का पेशेंस उनमें नहीं था। सिग्नल के ऊपर पास आकर के खड़े हुए, 30 सेकंड देखा, उनको लगा यार बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, गाड़ी एकदम रेस कर दी, आगे बढ़ गए। कुछ ईमानदार लोग थे जो सिग्नल फॉलो करते हैं, आप में से जैसे कुछ लोग हैं जो सिग्नल फॉलो करते हैं, तो सिग्नल फॉलो करने वाले बंदे ने उस बंदे को उड़ा दिया। उड़ने के बाद वो बंदा अपनी गाड़ी से उछला और नीचे गिर गया। पूरे बदन पे कहीं पर भी चोट नहीं आई, सिर्फ रीढ़ की हड्डी में एक चोट लगी, जिसकी वजह से आज भी वो पैरालाइज्ड है। मैं जब भी उसे फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ कैसा है, तो सिर्फ एक बात बोलता है, बॉस मरना चाहता हूँ। उसकी माँ से बात करता हूँ, उसकी माँ बोलती है बेटा जब इसके पिताजी गए तो उठ करके उनको अग्नि तक देने का काम ये नहीं कर पाया। क्यों? 21 साल की उम्र से लेकर के आज 36 साल की उम्र तक पिछले 15 साल से वो बेड रिडन है, इस तरह पर लेटा हुआ है, सिर्फ 30 सेकंड खड़ा ना रह पाया। इसीलिए आज जब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिग्नल पर खड़े होते देखता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे ही कॉलेज के कुछ बच्चों को मैं सिग्नल तोड़ते हुए देखता हूँ, तूफान स्पीड में गाड़ी चलाते हुए देखता हूँ, मुझे आप में और कैप्टन अमेरिका में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो दुनिया बचाने के काम में लगे थे, आप पता नहीं किसको बचाने के लिए दौड़ रहे थे। पर एक पल के लिए सोच करके देखिए, अगर आप सिग्नल फॉलो कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए, मैं ऐसे माँ बाप को देखता हूँ, छोटा बच्चा सामने गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, वो खुद वहां पर, एक किस्सा मेरे सामने हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राठी कॉलोनी का स्क्वायर देखा आपने, वो सिग्नल देखा है राठी कॉलोनी में, वहां पर एक बार खड़ा था, मेरी गाड़ी का कांच नीचे था, मेरे साइड में एक गाड़ी आकर के खड़ी हुई और गाड़ी के ऊपर पिताजी गाड़ी चला रहे हैं और बेटा जो है वो सामने बैठा हुआ है। लाल सिग्नल लगा तो बेटे ने उस पिताजी से पलट के पूछा कि गाड़ी निकालो ना, लाल सिग्नल है। तो पिताजी बड़े ही ईमानदार थे, तो उन्होंने बेटा बेटा जब लाल सिग्नल होता है तो गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए, चलनी नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो पापा, रोज वो मम्मी जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती है लाल सिग्नल लगता है तो गाड़ी निकालती है। हम नई जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं, नई जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं? जब छोटा बच्चा सामने बैठा हुआ ये देख रहा है कि मेरी माँ लाल सिग्नल होते हुए भी गाड़ी आगे बढ़ा रही है, बच्चा तो यही सीख रहा है ना कि लाल सिग्नल पे गाड़ी आगे बढ़ती है, गाड़ी रुकवाने का तो वो सीखेगा ही नहीं। पिताजी ने जब गाड़ी रोकी तो पिताजी की तरफ ऐसे नजर से देख रहा है जैसे आप येड़े माँ अकलमंद। हो रहा है नहीं हो रहा है? आपके आसपास में भी इससे जरूर हुए होंगे। अब दूसरा किस्सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट इस तरह का कोई ड्रिंक पीते हैं? ईमानदारी से हाँ बताइए, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द पीपल ड्रिंक दिस काइंड ऑफ
एवरेज अगर मैं आज ऐसी जैसे सौरभ से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते हुए बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा मेरे हाथ में लगा। इंटरेस्टिंग डेटा ऐसा था, उसमें ये लिखा गया था कि इंडियन जो यूथ है वो पूरी दुनिया में जो है आज की डेट में इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। आज की डेट में इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। वाई? 65% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज विच इज ऑफ 15 to 29। 15 साल की उम्र से लेकर के 29 साल 65% जनता जो है वो यूथ में आती है। अब फर्ज करिए कि इन 65% में जाए, मतलब अगर मैं 100 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन पकड़ता हूँ तो 65 करोड़ लोग ये यूथ में आते हैं। 65 करोड़ में से हिसाब लगाने के लिए आसान, हम लोग 60 करोड़ समझ लेते हैं। 60 करोड़ में से आधे लोग, 30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को एक्सेस होगा इस तरह की ड्रिंक्स का, जो उनको ड्रिंक्स मिलती होंगी, इस तरह की ड्रिंक्स आसानी से खरीद सकते होंगे, पोटेंशियल होगा 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में से 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो रोज इस तरह की ड्रिंक को पीने होंगे। अब मैं आप लोगों के सामने छोटा सा कैलकुलेशन रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सुलभ सा कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा, लेकिन 15 करोड़ लोग अगर ये ड्रिंक रोज पी रहे हैं और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की कीमत अगर 10 रुपए है रोज, तो कितना पैसा रोज के बेसिस पे हम विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं? 15 करोड़। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे अलग से आपको कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग मराठी में ज्यादा पढ़ना पत्रावड़ी मिलते, पत्रावड़ी मतलब ना पत्तों को जोड़ जोड़ के ना प्लेट बनती जिसके ऊपर हम लोग खाना खा सकते हैं ना। खाना खाने की जो ये जो डिश है, ये डिश बनने का बिजनेस चालू किया है अभी रिसेंटली यूएस में 4 लोगों ने मिलकर, 4 लोग मिलकर के वो पत्तों से बने हुए जो डिशेज हैं वो यूएस में बेच रहे हैं। एक जो उनकी डिश बनती है, दैट डिश, वन डिश इज कॉस्टिंग एज $10, वन डिश हमारे यहाँ पे मुफ्त में बनती है। $10 के $1 का कॉस्ट कितना है साहब? 60 पकड़ के चले, चलिए 50 पकड़ लेते हैं। $10 मतलब कितना हो गए? एक प्लेट 500 रुपए की आ रही है खाली। हमारे यहाँ शादियों में बनती है 500 रुपए की प्लेट, रेड एंड ब्लू पार्टी। गलत बोल रहा हूँ? ये बिजनेस है। आज के डेट में मैं यहाँ पर बैठे हुए सारे युवाओं से पूछ सकता हूँ कि आपके घर के आसपास ऐसी कोई चीज नहीं बनती जिसका आप बिजनेस में रूपांतर कर सके? ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग बैठे जिनके आंखों में सपने नजर आते हैं, लेकिन उन सपनों के आगे पीछे कोई कुछ आगे पीछे है नहीं। सुलभ देशपांडे साहब जैसे लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, गेट इन टच विथ हिम। मुझे नहीं लगता कि आपको मना करें, बहुत मन से बोल रहा हूँ साहब, ज्यादा लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस तरह की बिजनेस जो अगर आप डेवलप करना शुरू करते हैं, दूसरा एक डेटा मेरे हाथ में लगा था 65 2021 तक 65% जनता 15 साल से लेकर के 59 साल के बीच में आने वाली है 2021 तक। 65% जनता ऑफ इंडिया 15 साल से लेकर के 59 साल तक, मतलब 15 years to 59 years, ये वो उम्र है जिस उम्र में जनरली हम लोग काम करते हैं। सही बोल रहा हूँ? ये वो उम्र है जिस उम्र में हम लोग काम करते हैं, 15 से लेकर के 59 तक। इस जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है, इस जनरेशन का पेट भरने के लिए आपको लगता है कि आज के डेट में नौकरियां आसानी से उपलब्ध हैं, मिल रही हैं? हर साल अगर आप किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर उठा करके देख लीजिए, हर साल ड्रॉप हो रहा है। कारण दो, पहला एक तो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि वो कोर्स वो किस वजह से कर रहे हैं, दूसरा ये कि वो लोग बाद में उस कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाते, तो उसके बाद वो लोग अपने आप को इस बुलावे में जीने की शुरुआत कर देते हैं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तो दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू नो प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। खुद अपनी जिंदगी में हारा हुआ बंदा अगर गवर्नमेंट में जाएगा तो किसको जिताएगा साहब? सोचने वाली बात है या नहीं है? इंडिया में अगर आप कैलकुलेशन लगाएं तो अगर हिसाब लगाते हैं यूएस और चाइना मिलाकर के जितने इंजीनियर्स नहीं बनते उतने हर साल सिर्फ इंडिया पैदा कर रही है। और इनोवेशन में अगर आप देखें तो इंडिया 65वें स्थान पे आता है, 65th पोजीशन पूरी दुनिया में। स्विट्जरलैंड इतना सा देश है, अगर आप उसको नक्शे पे देखते हो इतना सा इनोवेशन में नंबर वन है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में या हमारे अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम में, बहुत अच्छी बात सुलभ जी ने अभी आप लोगों के सामने रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग यहाँ पर इनोवेशंस की बात नहीं करते, हम लोग कुछ नया शुरू करने की बात नहीं करते। डिसिप्लिन जिंदगी जीने में हम लोगों को बहुत मजा आता है। महेंद्र सिंह धोनी, एक अच्छा नाम आप लोगों के सामने रखता हूँ, एक ऐसा बंदा जो सरकारी नौकरी छोड़ करके अपने सपने के पीछे गया। और हमारे यूथ ऐसे हैं
जो सपना छोड़ करके सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने के दो कारण हैं। पहला, कुछ नहीं करना पड़ता साहब, कुछ नहीं करना पड़ता, बिना कुछ किए हर महीने। और दूसरा कारण यह होता है, साहब कोई नौकरी से निकालता नहीं, परफॉर्मेंस की बात नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर इस गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं तो मैं इस गलत फहमी से आपको बाहर निकाल दूं। पिछले महीने में हमको खबर पड़ी थी अखबार में, 25 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बिकॉज ऑफ दी परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, उनको लेटर देकर के नौकरी से निकाल दिया। 25 गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बाय द लाइक आप नौकरी पे लगेंगे, ये 25 का 2500 या 25,000 होने के लिए टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से तो लगे हैं, यू नो, सरकारी नौकरी में कुछ करना नहीं पड़ता। अगर ये सपना लेकर के आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी कैसे बदलेंगे आप? अपनी जिंदगी मान लीजिए अगर आपने बदल भी ली तो क्या नया कर लिया आपने देश के लिए? 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में भगत सिंह सोचते हैं, कुछ काम करते हैं और 23 साल की उम्र में फांसी पे लटक जाते हैं। आज 23 साल के लड़के से मैं पूछता हूं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है, तो सबसे पहला जवाब मिलता है, सर देश छोड़ के जाना चाहता हूं, अमेरिका में जाकर के कुछ करूंगा। एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, भैया अगर बनी बनाई जमीन पर कुछ उगा लिया तो क्या उगा लिया? तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का लोहा तो तब मानू जब बंजर को उपजाऊ बना करके दिखाओ। यूके में जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो यूके में जा रहे हो सब कुछ पता बनाया मिलता है बहुत अच्छे विचार आते हैं उस वक्त हम लोग मन में यूएस में जाऊंगा मर्सिडीज खरीदूंगा यूएस में जाऊंगा बंगला खरीदूंगा लड़की आप उससे इसीलिए सोचती है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी भारत का लड़का मिले वही नहीं बोल रहा हूं जो मुझे मिला हुआ जवाब बता रहा हूं लड़के इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि बाहर के देश में जाकर के कुछ आगे जाकर के अपनी आगे पढ़ाई करें या वहीं पर जाकर के सेटल हो जाए बाहर जाइए जाने में तकलीफ नहीं है लॉर्ड कि वापस आइए आपके देश को आपकी ज्यादा जरूरत है। चलिए साहब देश को छोड़िए अपने राज्य को देखिए अपना राज्य आपको ज्यादा आपको उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। राज्य छोड़ दीजिए साहब, शहर को ज्यादा जरूरत है। शहर भी छोड़ दीजिए, घर को ज्यादा जरूरत है। साहब घर छोड़ दीजिए, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं उनको ज्यादा जरूरत है। जब आप बोलते हैं ना बहुत हक से, बहुत नो हक से और ईमानदारी से और बहुत अधिकार से बोलते हैं कि मैं 20 साल जवान हूं, ये बोलते वक्त आप ये बात पूछ जाते हैं कि आपका बाप 20 साल बूढ़ा हो गया साहब। जब उन्होंने अपनी जिंदगी की जवानी आपके लिए लगाई तब कहीं जाकर के आप जवान हो पाए। अगर वो अपनी जवानी के दिनों में यही सोचते कि मैं देश छोड़ करके जाना चाहता हूँ, मैं अपना नया कुछ करना चाहता हूँ, जाइए जाने में तकलीफ नहीं है, वापस आइए वापस। ब्रेन ड्रेन जिस कंसेप्ट को बोला जाता है कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग परदेशों में जा करके नौकरियां करते हैं, जिस कंसेप्ट को बोला जाता है ब्रेन ड्रेन, BRAIN, ब्रेन ड्रेन। मतलब यहाँ पर आए लोग पैदा हुए पढ़े लिखे और परदेश में जाकर के सेटल हो गए, मतलब यहाँ की पढ़ाई लिखाई इस देश के काम में नहीं ला रहे, किसी और देश के काम में नहीं ला रहे। इस देश में आपने पढ़ाई लिखाई की, यहाँ पर आपने सारी मेहनत की और ईमानदारी किसी और के लिए कर रहे हो, तो अंग्रेजों से आज़ादी क्यों लिए? परदेश में जाकर भी अगर गुलामी करनी थी तो इन अंग्रेजों को हमारे पास तो रेडीमेड आ गए थे, गुलामी करनी थी ना तो यहां कर लेते। यहां से आप वहां जाने की सोचते हो, परदेश में जाकर के आप कुछ करने की सोचते हो। बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि यंग जनरेशन वीजा की लाइन में जाकर आप खड़े होकर के देखिए, मैक्सिमम लोग आपको यह दिखेगा वहां पर जो बाहर जाना चाहता है, उनसे जाकर के पूछे वुड यू लाइक टू कम बैक? नो सर, आई डोंट वांट टू कम बैक टू इंडिया। व्हाई? इंडिया इज अ वेरी पॉलिटिकल कंट्री एंड आई हेट दिस कंट्री। एक पल के लिए बोलने में आपको हिचकिचाहट नहीं होती? आई हेट दिस कंट्री। बहुत आसानी से हम सवाल पूछ लेते हैं ना कि देश मेरे लिए कर ही क्या रहा है। मैं उल्टा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आज जिस देश के भरोसे पे आप कहीं पर भी दुनिया में चले जाइए साहब, इंडिया वाला मजा दूसरा कहीं पे नहीं आता। इंडिया को आप चाहे जितनी गाली दे दो लेकिन जब तक यहाँ के ट्रैफिक में नहीं फंसते लोग समझ में नहीं आते। बाकी दुनिया में कहीं पर भी बाढ़ आ जाए साहब, मुंबई में आई हुई बाढ़ आपको इंसानियत से मुलाकात करवा देती है। बाकी चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, यहाँ पर एक आप सिर्फ आवाज निकालो हजार पड़ोसी दौड़ करके आएंगे कि यार क्या तकलीफ है। परदेशों में होता है नहीं? हो सकता वहां पे कल्चर ही नहीं है। हम कल्चर की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर जो कल्चर की बात होती है, जो संस्कृति की बात हो रही है, हम हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया भर में लेकर के गए, पूरी दुनिया भर में इंडिया का नाम, आज पूरी दुनिया में इंडिया का नाम चल रहा है। क्या आपको मालूम है कि इंडिया ये करेक्ट वर्ड नहीं है? इंडिया इज अ रॉन्ग वर्ड, अपभ्रंश झालेला शब्द आहे हा। इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस बिकॉज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
लेकिन आज हमारे यूथ को अगर मैं बोलता हूँ कि भैया हम हमारे देश को हिंदुस्तान बोलेंगे या भारत बोलेंगे, शर्म आती है, शर्म आती है। आज मैं यहाँ पर यूथ को देखता हूँ, उनको पूछता हूँ भैया फॉरेन लैंग्वेज कोई पढ़ी है? हाँ सर मैं जर्मन पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश आती है? सर वो छोड़ दो ना सर, जर्मन सीख रहा हूँ। जर्मन सीख रहे हैं तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जर्मनी में अगर आप जा रहे हो तो आपको कभी सोचा आपने कि जर्मन लोग जर्मन हम लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो संस्कृत में लिखे हुए जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो सारे के सारे आज के डेट में जर्मनी के पास पड़े हुए हैं। जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं जर्मनी, वो सारे के सारे हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ के किए जा रहे हैं। आज अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ भैया अगर आप हिब्रू आती है आपको, अगर आपको लैटिन लैंग्वेज आती है तो आप एज अ स्कॉलर कंसिडर किए जाते हैं, विद्वान। यही अगर मैं आपको बोलूँ कि आप संस्कृत सीखो, हम इमीडिएटली कम्युनल हो जाते हैं। दुनिया की जितनी पुरानी भाषा लैटिन है, जितनी पुरानी भाषा इजिप्शियन है, जितनी पुरानी भाषा हिब्रू है, उतनी ही संस्कृत है। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, भगवद गीता सबको मालूम है, भगवद गीता में जितने पीएचडी और डॉक्टरेट यूएस में रजिस्टर होते हैं उसका 1/4% भी इंडिया में नहीं होता। आज ये बहुत बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं, आने वाले 10 सालों में यदि आपको नजर आएगा, जैसे किसी एक प्रोग्राम में मिस्टर स्मिथ जॉन नाम का एक आदमी यहां पर खड़ा रहेगा और हमको भगवद गीता के बारे में बताएगा और हम लोग ताली बजाएंगे उसके प्रोग्राम के, वाह फॉरेन से आया हमारी भगवद गीता हमको सुना रहा, क्या बात है ना, एकदम मस्त। आपको किसने रोका था? किसने रोका आपको भगवद गीता पढ़ने से? ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है, बट जब मैं सिर्फ भगवद गीता बोल देता हूँ हम कमजोर हो जाते हैं, हम संस्कृत बोल देते हैं हम कमजोर हो जाते हैं। ज्ञान है, ज्ञान तो सब जगह मिल रहा ना। आप किसी मैं नहीं जानता आप किस धर्म को मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, भगवान मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं नहीं जानता। माँ बाप को तो मानते हो, माँ बाप को तो मानते हो भैया, दुनिया में ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो माँ बाप के बगैर पैदा हुआ है, माँ बाप को तो मानते हो। अगर आप माँ बाप को मानते हो तो क्या कम से कम माँ बाप के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि हम अपनी जिंदगी में कुछ करें जिसकी वजह से उनको इस बात पर फख्र हो कि ये बच्चा मेरा है? एक पल के लिए तो सोच सकते हैं या उतना भी नहीं सोच सकते। मैं फिर एक बार आप लोग याद दिला दूं, मैं कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन हम अपने देश के लिए नहीं डाल सकते? कितने लोग किसी ना किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कितनी सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हैं? खुशी है मुझे इस बात की कि आप लोग आज यहाँ पर आए, खुशी है मुझे इस बात की कि आप लोग सौरभ के साथ जुड़े, खुशी है मुझे इस बात की कि आपने उसके इन्विटेशन पर यहाँ पर आना स्वीकार किया। उसने जब प्रमोशन किया था तो हजारों लोगों ने उसको देखा होगा, लेकिन आए कितने लोग? कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ चीजों को पढ़ लेने से और फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करने से और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के बारे में अपना अभिमान दिखा देने से नहीं होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप देशभक्ति भले ही ना दिखा, लेकिन बाकी जो 363 दिन बचे उस दिनों में आप देशभक्ति नहीं दिखा सकते हैं। देशभक्ति दिखाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जानता हूं भैया सारे के सारे लोग फौज में नहीं जा सकते, जानता हूं मानता हूं सारे के सारे लोग फौज में नहीं जा सकते, लेकिन फौज में जो बंदा है वो कम से कम जिसके लिए जान दे रहा है उस लायक तो बनो कि उसको इस बात का अफसोस ना हो कि जिसके लिए मैंने जान दी वो उसके लायक नहीं था। जो जिस व्यक्ति के लिए अपनी जान दे रहा है वो कम से कम एक बार अपने आप से आईने में खड़े होकर के आंख मिला करके बोल के तो देखो कि क्या जिस बंदे के लिए वो अपनी जान दे रहा है मैं उस लायक हूं? क्या मेरे लिए कोई अपनी जान दे सकता है? किसी देनी चाहिए? ईमानदारी से अपने आप को पूछ करके जवाब दे करके देखिए साहब क्या मैं इतना ईमानदार हूं? चाइनीज ब्राउजर आता है साहब जिसका नाम है यूसी ब्राउजर, फोन में यू नो बहुत प्राउडली हम लोग फेसबुक और यू नो व्हाट्सएप पे अपनी स्टेटस कमेंट में लिखते हैं यूसी ब्राउजर द बेस्ट ब्राउजर एवर आई हैव यूज्ड इन माय लाइफ। एक पल के लिए नहीं सोचते भाई साहब ये उस देश का बना हुआ है जो देश हर रोज हम लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा हुआ था, डोकलाम जब तक सॉल्व नहीं हुआ तब तक हालत तो ऐसी थी ना कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, हालत तो ऐसी थी किसी भी वक्त जंग हो सकती है। उस वक्त तो इतने उतावले हो जाते, हाँ ठीक है कोई बात नहीं एक बार का एटम बम डालो खत्म करो। भैया हम एटम बम डालेंगे वो दिवाली मनाएंगे क्या? वो नहीं डालेंगे, वो वेलकम तो नहीं करेंगे ना जब हम एटम बम डालेंगे तो उनकी तरफ से तो कोई आएगा? और मान लो वो आपकी गोद में आके गिरे तो क्या बोलोगे? यूसी ब्राउजर से ये मिला है No, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग चाइनीज को पूरी तरह से बायकॉट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
अगर आप यू नो इंटरनेट अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं तो आप चेक करके देखिए कि हर दूसरा टेक्निकल जो प्रोडक्ट आपके पास बना हुआ है टेक्नोलॉजी का किसी ना किसी तरह से चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई पार्ट उसका ऐसा है जो चाइना में बन करके आता है। आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा हैंडसेट तो वहां से बंद खरीदो, कम से कम पूरा का पूरा हैंडसेट ओप्पो वीवो नाम सुनकर के लेने की इच्छा नहीं होती। हम यूज करे जा रहे हैं ओप्पो नाम का फोन कोई यूज करता है लेने की इच्छा और नाम सुन करके ओप्पो हाउ डज इट साउंड्स डिफरेंट राइट और रॉन्ग आइंदा से ना इन सारी चीजों मैं मानता हूं कि भैया टेक्नोलॉजिकली हम लोग चाइना के आज अभी तक उसकी कंपटीशन में नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि 85% ऑफ द यूथ अगर आप ब्रेन ड्रेन का परसेंटेज देखते हैं तो पिछले 10 सालों में 85% से बड़ा है ब्रेन ड्रेन। 2003 से लेकर के 2014 तक अगर आप ब्रेन ड्रेन का हिसाब लगाते हैं तो 85% इंक्रीमेंट है ब्रेन ड्रेन का, मतलब पिछले 10 सालों में जितने भी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हुए सारे लोगों ने देश छोड़ दिया। भैया अगर आप देश छोड़ करके चले जाओगे तो इस देश को सुधारेगा कौन, इस देश के लिए काम करेगा कौन? छोड़ के जाना बहुत आसान है, छोड़ के जाना बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती उस चीज़ के लिए, थोड़ी बहुत एग्जाम आप एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, गेट जीआरई वगैरह आप पास कर लो, उसके बाद एक इंटरव्यू दे दो, वीजा वीजा मिल जाएगा, आप निकल जाओगे। लेकिन अदरवाइज आप इस देश के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करके जा रहे हो? वहां बाहर बैठ करके इंडिया का कुछ हो नहीं सकता, बोलने का हक नहीं है आपको अगर आप ये बोल रहे हैं, इंडिया का कुछ हो नहीं सकता। आपने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए आज के डेट में क्या किया है? अगर आपने कुछ किया है और अगर नहीं हो पाया तो मैं मानूं कि आप ये बात बोलोगे इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तब से कम इतना मत बोलो कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर तीसरा वर्ड है युद्ध, इसके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं कि इस युद्ध में वो ताकत है कि भैया दुनिया का नाम, दुनिया में अगर आज के डेट में इंडिया का नाम कहीं पर चमक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये युद्ध चमका सकता है। आपको सिर्फ इंतजार है उस मौके का, इंतजार है सिर्फ उस घड़ी का, इंतजार है उस क्रिकेट में लूज बॉल जिसे हम लोग बोलते हैं, एक लूज बॉल का इंतजार है जो आपके सामने आ रहा, छक्का मार दो। उस इंतजार में अगर आप बैठे हो तो मैं इंतजार का आपको इंतजार करने के लिए नहीं बोलूंगा, उठो खड़े रहो जागरूक रहो और आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था आप तब तक ना रुकिए जब तक आपको आपका गोल आपका उद्देश्य आपको नहीं मिल जाता। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना आप लोग अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें, कुछ नहीं तो कम से कम अपने लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें, अपने प्रति ईमानदार रहें, सिग्नल फॉलो करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन स्टे अवे फ्रॉम इट। अगर आप नियमों के हिसाब से चलते हैं तो आपको करप्शन में कुछ देने लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेने देने की जरूरत तभी तो पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का एक छोटा सा और एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में करप्शन कहाँ पे होता है? परदेशों में करप्शन नहीं होता ऐसी बात नहीं है, परदेशों में अपनी प्रोसेस को छोड़ करके अगर आपको कुछ काम करना है तो करप्शन होता है, तो आपको कुछ लेन देन करनी पड़ती है। इंडिया में प्रोसेस को पकड़ के अगर कुछ करना है तो लेन देन करना पड़ता है, ये फर्क है। सिग्नल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सिग्नल फॉलो कर भी लिया, सारे रूल्स आपने मेंटेन कर भी लिए, उसके बावजूद भी मामा पकड़ लेगा। सिग्नल फॉलो करने वाले को भी करप्शन करना पड़ता है, व्हाई? बिकॉज़ यू आर फॉलोइंग द सिस्टम। सिस्टम छोड़ करके अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्रोफेशनल करप्शन, सिस्टम फॉलो करिए अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, मैं नहीं जानता आपकी कैपेसिटी कितनी है लेकिन अपने कैपेसिटी के हिसाब से जहां तक हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब पीने से आपकी सेहत नहीं बनती, छाछ पीने से बनेगी, एसिडिटी होती है। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, आज मैंने क्या पिया नो स्प्राइट पी लिया, क्यों सर? एसिडिटी फील हो रही थी, वाई? छाछ पियो, जलजीरा पियो, आसानी से आप लोगों का एसिडिटी कम हो जाएगा छाछ पीने से। यू नो एसिड क्रिएट करता है जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अदरवाइज वीडियो तो बीच में आया भी थे, कोका कोला से आप सारी चीजें साफ कर सकते हो, सारी चीजें साफ कर सकते हो, नाम नहीं लूंगा, सारी चीजें आप साफ कर सकते हैं। हम क्या क्या साफ कर रहे हैं अपने अंदर? एसिडिटी है, एसिडिटी के ऊपर आप एसिड डालोगे तो अंदर तो सारा जलेगा ही ना साहब, बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, जबरदस्ती नहीं कर सकता लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। मैं फिर एक बार आप लोगों को बोलूँ, दिवाली आ रही है अभी से, नवरात्रि आ रही है अभी से, ये वो वक्त है जहाँ पर चाइनीज मार्केट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जहाँ तक हो सके मिट्टी के लिए जलाइए, चाइनीज प्रोडक्ट ना यूज करें, ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पर आप चाइना को आराम से बीट कर सकते हो। बच्चे के लिए अगर आप खिलौने भी खरीद रहे हो तो कम से कम इंडियन प्रोडक्ट्स के जो खरीद होते हैं वो खरीदिए, मिट्टी का खिलौना खरीद के
पास अब टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइनीज प्रोडक्ट इसलिए खरीद के लेकर के आते हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है। सच बताइए, चाइनीज प्रोडक्ट ड्यूरेबल होते हैं? वो ड्यूरेबल नहीं है ये होने के बावजूद हम खरीदते हैं। इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा तो डालो यार, अपनी मिट्टी का बना हुआ है, इतना यकीन तो कर सकते हैं उसके ऊपर कि अपनी मिट्टी से बनकर के आई हुई चीज है, मेरा पैसा मेरे देश में रहेगा। आप एक बार अगर दिए खरीदते हैं किसी भी गरीब आदमी से, तो कम से कम उस गरीब के घर के बच्चे आज के लिए दिवाली में एक लड्डू एक्स्ट्रा खा लेंगे, आपके नाम से खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम है? चाइनीज आपने लड्डू खाए या ना खाए आपको क्या फर्क पड़ता है? जो फर्क पड़ेगा, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से, गुजारिश है मेरी आप लोगों से, जहाँ तक हो सके लेकिन सारे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, जितना पैसा हो सके इंडिया में इन्वेस्ट करो, जितनी चीज़ें आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। गाड़ियाँ खरीद रहे हो, मोबाइल फोन खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, टी शर्ट्स खरीद रहे हो, कपड़े भी अगर आप खरीदे तो इंडियन ब्रांड्स लेकर के आप खरीदे, जीन्स सब लोग पहनते हैं, सब लोग पहनते हो, स्पाइकर की जीन्स पहन सकते हो, इंडियन है स्पाइकर, एक ऐसी कंपनी है जिसका पहला शोरूम लंदन में खुला था, जो ओनली इंडियन ब्रांड है जिसने लंदन में शोरूम खोल के दिखाया, आज तक दूसरा किसी भी ब्रांड ने वहाँ पर जाकर के अपना शोरूम नहीं खोला है। स्पेशलाइज्ड शोरूम डेडिकेटेड जस्ट फॉर स्पाइकर, लेकिन हम लिवाइज ही बनेंगे साहब, डिवाइस के बगैर हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे। बात समझ, मेरी बातें छुएंगी शायद आप लोग, शायद मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, शायद यहाँ से मैं नीचे उठूँ तो शायद मेरे नाम भी सुनाई कि कुछ लोग दे चुके होंगे, क्या लगता है? आई डोंट माइंड इफ यू आर डूइंग इट राइट। यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए 60-70 लोग, इनमें से एक बंदा भी अगर ये सोचता है कि इसी बात आने वाली चीज़ों को मैं ईमानदारी से फॉलो करूँगा, मैं सिर्फ इतना देखूँगा कि भैया मेरा किया हुआ पैसा इंडिया में जाए, मेरी की हुई कोई भी चीज़ इंडिया को डेवलप करे, मेरी दी हुई कोई भी चीज़ मुझे डेवलप करे, मेरे माँ बाप को फकर महसूस हो, कोई भी काम करने से पहले आप ये चीज़ आप लोग सामने रखना चाहूँगा, कोई भी चीज़ अगर आप करने की कोशिश करते हो तो सिर्फ इतना अपने आप से पूछो कि ये काम करते हुए मुझे अगर मेरे माँ बाप देखेंगे तो क्या उन्हें फकर महसूस होगा या शर्म आएगी? अगर उन्हें शर्म आ रही है तो वो काम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, और अगर वो काम करते हो आपके माँ बाप उन्हें आपको देखे और उन्हें फकर महसूस हो तो वो काम 40 बार ज़्यादा होना चाहिए, 40 टाइम्स मोर। क्लियर विद दिस? विद दिस थॉट मैंने आपसे वादा किया था आपका ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ दे सकता हूँ, मैंने देने की कोशिश की, अगर जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखाया हो, अगर कुछ बात बोल दी हो ओप्पो वगैरह से लेकर के सॉरी, अगर मैंने कुछ बोला हो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें हों वो इंडियन प्रोडक्ट्स की यूज़ हो, इंडिया में जितना आपका पैसा है वो उतना आपके फायदे में रहेगा, आपके लिए इन्वेस्ट होगा तो आगे चल के आपकी नौकरियाँ बनेंगी। और एक लास्ट चीज़ बोल करके मैं रुकना चाहता हूँ, डोंट बी अ जॉब सीकर। जॉब्स पाने वाले लोग बनने से बेटर हैं ऐसे इंसान बनो जो 10 लोगों को नौकरियाँ दे, सर युवक और इसके उसके कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया, इस विषय को आपने बहुत सही मायने में आज इस सभागृह में रखा।